नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी, जब कभी आपको दाल सब्जी बनाने का मन ना करे तब इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। रोटी पराठे के साथ खाने में आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप हमेशा इसी रेसिपी को बना के स्टोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आम। आम को पील करने के बाद मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने लिया यहाँ पे 4 हरी मिर्च, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। लिया मैंने यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ते और एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। और लिया मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हरी मिर्च को हम 2 टुकड़ा करके डालेंगे। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। डालेंगे हम 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते। तो मेरा यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ था तो मैंने डाल दिया है, और आप देख सकते हो कितना डाला है। और साथ ही डाल देंगे हम यहाँ पे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से इस चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डालेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। बिना पानी डाले हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो चटनी को मैंने तैयार कर लिया है और मैंने हल्का यहाँ पे चटनी को दरदरा रखा है। तो अब हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से आम की चटनी बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी पराठे के साथ खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चटनी को पीसते टाइम मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। और इस तरीके से आप चटनी को बना के फ्रिज में आप रख के 4 से 5 दिन तक खा सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चटनी के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल हम डाल देंगे और अच्छे से एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और देखने में जितना आपको ये चटनी टेस्टी लग रहा है, एक बार खाएंगे ना आप इस चटनी के दीवाने हो जाओगे। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की चटनी की रेसिपी एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बना के देखिएगा और खाने के बाद कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा लगे रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।